हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर चैनल मेक ओवर एंड अप टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट लिप एट व्हाट इज अ लिप एंड हाउ टू अप्लाई लिप एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ लिप एन तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिप लिप्टेंट क्या होता है लिप लिप्टेंट जो है ये एक स्टेन है ठीक है निशान जिसे कहते हैं जिस कलर का आप लिप लिप्टेंट लगाएंगे उस कलर का निशान आपके लिप्स पे आ जाएगा नेचुरली ठीक है और ये पिगमेंट हाई पिगमेंटेड जो है वो कलर्स होते हैं जब जैसे कि आपने अपनी चिक्स पे या लिप्स पे लगाएं तो उसी तरह का कलर आपके लिप्स या चिंक पे आ जाता है दूसरे नंबर पे हाउ टू अप्लाई लिप टेंट आपने सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करना है उसके बाद आपने अपने चिक्स पे और लिप्स पे या लिप्स, लिप्स पे लिप बॉम लगा लें और कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर आप सन ब्लॉक लगा लें अच्छा सा या फिर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र आप जो यूज़ करते हैं वो लगाएं सन ब्लॉक लगाएं सन ब्लॉक नहीं है तो कुछ भी ना करें आप अपने सहरे पर जो भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं वो लगाएं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप अपने सहरे पे सॉरी चेहरे पे एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाएंगे उसके बाद आपने अपने लिप्स के ऊपर ये जो है टिंट हल्का सा ये लगा के उसको थोड़ा सा लगाएंगे उसके बाद इसको मिक्स करेंगे उसके बाद आप फिंगर्स के साथ उसको पूरे लिप्स पे ऐसे फैला देंगे फिंगर्स से करने से ये फायदा होगा तो कि वो बिल्कुल नेचुरल लगेगा बहुत ज्यादा नहीं लगेगा जो एक्स्ट्रा होगा वो आपकी फिंगर से लग के उतर जाएगा तो जो चिक्स पे भी इसी तरह आप थोड़ा सा लगाएंगे जहां पर आप ब्लश ऑन लगाते हैं जब आप स्माइल करते हैं तो आपकी जो चिकू चिकू बाहर आ जाती हैं इनके ऊपर आप जो है एप्पल चिक्स जो, हैं वो जो की है वो जब आपकी ये जो चिक्स बाहर आ जाएंगी ये इनके ऊपर आप हल्का सा लगा के फिंगर के साथ उसको इस तरह से कर देंगे तो ये आपके ऊपर लिप टिंट और चिक टिंक आपका लग गया क्या किया आपने सबसे पहले आपने चेहरा वॉश किया फिर उसको मॉइस्चराइज किया उसके बाद आपने लिप्स पे भी आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया फिर आपने लिप टिंट लिप पे भी लगा लिया और चिक्स पे भी लगा लिया अब 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 अगर आप चाहें तो आप इसे अपने आइस पे भी अप्लाई कर सकते हैं आइस पे भी आपको बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं क्यों ये हम यूज़ करते हैं तो ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि इससे आपकी जो लिप्स हैं वो बहुत पिंक पिंक लगते हैं ठीक है इसके अलावा आपकी शिक्स जो हैं वो भी बहुत पिंकी पिंकी सी लगती हैं और ऐसा लगता है ये बहुत ही कोई प्यारी सी लड़की है अच्छा बहुत ही प्यारी लगने के लिए आपको अपनी स्किन की भी केयर करने की जरूरत होगी यही नहीं कि खाली मुंह हाथ धो के मॉइस्चर लगा मॉइस्चराइजर लगा के लिपटेंट लगाएंगे तो आप प्यारी लगेंगे जो बहुत ही प्यारी लगती हैं कुछ तो वो पिंकी खुद भी होती हैं अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए जब आप अपनी स्किन की केयर करेंगे उसके बाद ये आप हल्की सी लिप टिंट और चिकटिंग लगा लेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा पिंक पिंक और बहुत ही खूबसूरत लगेगी आपका फेस तो इसका फायदा यही है कि आप जो है नेचुरल आप कैसे लगेगा ये आपका लिप ये जो है ये कलर है मतलब आपके लिप का ये अपना कलर है ठीक है आपने कुछ लगाया लिपस्टिक था तो पता चलता है कि लिपस्टिक लगाई है लेकिन लिप टिंट ऐसे होता है कि आपको लगता है कि जो आपके लिप्स का कलर है वो पिंक है जिन्होंने कुछ लोगों के ऊंट आपको लगता है भाई बहुत ही पिंकी पिंकी से हैं इनके इसके ऊँट तो बहुत पिंक है होते भी हैं वो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी होम मेड रेमेडी आपको बताऊंगी जिसे आप अपने लिप्स पिंक कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप, आप अपने लिप्स जो हैं वो नेचुरली पिंक चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको होम मेड रेमिडी बता रेमेडी बताऊंगी बहुत ही इजी रेमेडी है जिसके जिससे आपके लिप्स जो है नेचुरली पिंक दिखेंगे उसके अलावा आप ये भी लिप लिपटेंट भी यूज़ कर सकते हैं इससे भी आपके लिप्स जो है बहुत ही ज़्यादा पिंकी पिंकी से लगेंगे आपकी चिक्स भी बहुत पिंकी लगेंगी और लगेगा कोई बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी लड़की जा रही है अच्छा ये हो गया इसके बेनिफिट इसका अप्लाई करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया और लिपटेंट क्या होता है ये भी बता दिया और ये आपके सामने मैं लिपटिन दिखा रही हूँ यह लिपटिनट मुझे बहुत पसंद है टू कलर्स में है एक इस कलर में है एक इस कलर में है और थोड़ा एक थोड़ा सा लाइटर भी है इससे कलर तो ये दो कलर में लिप लिपटिनट है इसके अलावा भी कलर्स में मिल जाते हैं आप किसी भी शॉप पे जाएं और कहें लिप लिपटेंट दे दें लिप स्ट्रेनर दे दें ठीक है ना तो ये आपको इजीली मिल जाएगा घर लिप टेंट कैसे बताते बनाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ठीक है जी और कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी ना लगी हो तो फिर भी लाइक कर दें अच्छी लगी हो तो फिर भी लाइक कर दें और शेयर भी ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें Thank you, Allah is see you soon in the next video. Bye bye.